हेलो, आज हम बात करेंगे समय के बारे में। समय, टाइम। गौतम बुद्ध से किसी इंसान ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत वक्त है। सही बात है ना? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, पर जब यह वक्त बीत जाता है तभी उसकी वैल्यू समझ आती है दोस्तों। इसलिए वक्त की कदर करना सीखो। अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो ये वक्त कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा। एंड वक्त के लिए कहा जाता है, यू कैन नॉट कीप इट, यू कैन यूज इट। इस टाइम के लिए मैं कहती हूँ, यह टाइम मिलता तो फ्री में है पर इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। टाइम सबके पास वही है, 24 घंटे। कहते हैं दो तरीके से आदमी बदलता है, या तो वो खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। समय हमें हर सुबह 46,400 सेकंड देता है और हर रात को उन सभी सेकंड्स को वापस ले लेता है। जिसका आपने किसी अच्छे काम के लिए यूज नहीं किया, तब आपके पास कोई सेकंड नहीं होती। समय हर सुबह आपको टाइम का बैलेंस देता है और रात को सारा बैलेंस ख़त्म कर देता है। अगर आप उस समय का उपयोग करने में असफल होते हैं, इसमें आपका ही नुकसान है। जो दिन आपने बिना सही उपयोग किए गवा दिया, वो दिन आपके जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा। समय एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसका एहसास खोने के बाद होता है। आइए इस बात को हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बार यूनान में एक सम्राट ने अपने वजीर को फांसी की सज़ा सुनाई और सज़ा का जो वक्त था वो रखा गया 6 बजे। सम्राट ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ वजीर को खबर दे दो कि आज 6 बजे फांसी दी जाएगी। सैनिक वजीर के घर पहुँचे और देखते हैं कि वजीर के घर जश्न हो रहा था। बाद में मालूम चला कि वजीर साहब जो हैं उनका आज जन्मदिन है। घर में पकवान बन रहे हैं, म्यूजिशियंस थे, दोस्त लोग आए हुए थे, कुल मिलाकर पार्टी हो रही थी, मज़ा आ रहा था लोगों को, सब बहुत खुश थे। सैनिकों ने ज़ोर से वजीर को कहा कि वजीर, सम्राट ने आज 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई है। यह बात सुनने के बाद हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। वहाँ पर उदासी छा गई। वजीर ने अपने आसपास देखा और दोस्तों से कहा, ऊपर वाले का शुक्रिया कि 6 बजे का वक्त दिया है और सम्राट का शुक्रिया 6 बजे का वक्त दिया है। तब तक हम सब मिलकर पार्टी कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं। मेरा जन्मदिन है तो खास होना चाहिए। दोस्त कहते हैं, क्या बात करते हो, तुम्हें फांसी दी जाने वाली और तुम जश्न की बात करते हो। इन सब के बाद भी वजीर ने सबको मना लिया और पार्टी फिर से शुरू हो गई। इस बीच सैनिकों ने सम्राट को सूचित किया कि महाराज, हमने खबर पहुंचा दी है लेकिन वहां तो जश्न चल रहा है। सम्राट चौंक गए। वो घर पहुंचे वजीर के और देखते हैं कि वैसा ही माहौल है। उन्होंने कहा, तुम ठीक तो हो, पगला पगला तो नहीं गए हो? 6 बजे तुम्हें फांसी की सज़ा दी जा रही है, समझ में आ रही है आपकी यह बात? वजीर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है महाराज, आज मेरा जन्मदिन है और आपका शुक्रिया, आपने मुझे 6 बजे का समय दिया। आप मुझे 6 बजे का समय नहीं देते तो मैं जश्न कैसे मनाता? वक्त क्यों जाया करना, जितना वक्त मिला है उसे मैं खुशी से जीना चाहता हूँ। यह बात सुनने के बाद सम्राट ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारे जैसे इंसान को इस दुनिया में जीने का हक है और जो इंसान टाइम की वैल्यू समझता हो उस इंसान को बने रहना चाहिए। यह छोटी सी कहानी बताती है कि ज़िंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं कि हम पैनिक हो जाते हैं और खुशियां आ ही नहीं पाती। हम हैंडल ही नहीं कर पाते घटना को। हैंडल करना आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। इसलिए डोंट कम अंडर प्रेशर, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए।